हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में कुछ की के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये पिछला पेज था, मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक न्यू पेज लेता हूँ इस तरीके से। तो आज की के बारे में मैं आपको शो करता हूँ कि हम किस की से क्या काम करते हैं। तो जैसे मैं आपको इमेज के थ्रू बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ F1 से स्टार्ट करूंगा, ये सारी की सारी की है आपका। तो किस तरीके से यहाँ ऐप करता हूँ F1, तो F1 करोगे हेल्प हो जाएगा। आप किसी सॉफ्टवेयर में F1 करते हैं हेल्प शो कर देगा। आप उसकी मतलब इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं, ले सकते हैं, किसी टूल्स के बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे कोई बुक खरीदनी है तो मैं कौन सी लूँ, तो बुक से बेस्ट ये है कि F1 पे जाएं और कोई भी टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, आप करते हैं इसको F2, तो F2 करता हूँ तो जूम आ जाएगा। आप जूम शो कर सकते हैं, जूम का मतलब मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, जूम कर सकते हैं इसको। तो ये है F2 जूम करने के लिए। इसके बाद हमारा चलता है F3, F3 करते हो जूम आउट हो जाएगा। तो F3 करने के बाद आप जूम आउट कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे गलती से मेरा पेज डिलीट हो जाए, गायब हो जाए, मुझे नहीं पता कहाँ है आपका, F4 करेंगे आपका एक्चुअल पिक्सल्स शो कर देगा कि कहाँ है आपका। तो F4 है हमारा, कि अगर जैसे मान लो आपने ज़्यादा जूम कर दिया है, आपको नहीं पता कि मेरा पेज कहाँ चला गया है, F4 करेंगे तो आपके पेज पे कोई भी वर्क होगा तो शो कर देगा। तो F4 शो है आपका, कि जो आपका डिजाइन है वो शो करने के लिए, दिखाने के लिए। इसके बाद मैं करता हूँ F5, F5 करते हैं तो फ्री हैंड टूल आ जाता है इस तरीके से। तो F5 का काम है फ्री हैंड टूल लाने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ F6, F6 पे क्लिक करता हूँ तो ये रेक्टेंगल आप बना सकते हैं, रेक्टेंगल लाने के लिए। तो F6 मेरा है रेक्टेंगल लाने के लिए। F7 करेंगे तो F7 से क्या है कि जैसे मैंने किया यहाँ F7, तो इलिप्स शो किया तो इलिप्स आ जाएगा इस तरीके से। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, ये F7 था हमारा इलिप्स के लिए। F8, F8 पे क्लिक करता हूँ तो आप कोई टैग शो कर सकते हैं, मैं यहाँ इस तरीके से कोई भी टैग शो कर सकता हूँ। इस टैग के दो यूज हैं, आप माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे कोई भी टैग शो कर सकते हैं। अगर कोई एरिया आप लेते हैं तो किसी एरिया के अंदर कोई टैग शो कर सकते हैं इस तरीके से, तो वो टैग्स बाहर नहीं जाएगा, उसी एरिया के अंदर काम करेगा इस तरीके से। तो F8 था हमारा टैग्स के लिए। इसके बाद है F9, F9 कर देंगे तो फुल स्क्रीन आ जाएगा वो, ये आप यहाँ से भी शो कर सकते हैं, ये दिखा, ये शो कर रहा है F9, तो F9 करते हैं तो फुल स्क्रीन आ जाएगा इस तरीके से। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ F10, F10 पे करता हूँ तो शेप टूल है आपका, तो शेप टूल आ जाएगा। इस शेप टूल में क्या है आपका, जैसे मैंने यहाँ इस तरीके से लिया कोई एक न्यू पेज, आपने कोई एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद जब शेप पे जाते हैं स्मूथ कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल शो कर सकते हैं। आप यहाँ कंट्रोल क्यू करते हैं, राइट क्लिक करता हूँ, आप यहाँ जाके कोई भी इस तरीके से स्टाइल शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कोई टैक्स शो किया, मैंने टैक्स लेने के बाद मैंने यहाँ लिखा कि INDEX इंडेक्स, ANIL अनिल, SUNIL सुनील, इस तरीके से। तो शेप टूल पे जाएंगे, आप उनके बीच में गैप दे सकते हैं, आप यहाँ जाके इस तरीके से कुछ शो कर सकते हैं, किसी पॉइंट को सिलेक्ट करके आप यहाँ से उसका साइज बढ़ा सकते हैं। अगर आप कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो उसको बोल्ड करना है, कोई कलर फिल कर सकते हैं, तो शेप टूल इम्पोर्टेंट है, आप बहुत सारी चीज़ इससे ले सकते हैं। तो ये था आपका यहाँ जाके F10 शेप टूल लाने के लिए। इसके बाद हमारा चलता है F11, मैंने F11 पे क्लिक किया तो आप यहाँ शो कर सकते हैं जैसे वन कलर, ग्रेडियंट कलर, पैटर्न, टेक्सचर, ETC, काफ़ी सारे इफेक्ट हैं वो दे सकते हैं। अगर आप नन करते हैं तो ये नन हो जाएगा इस तरीके से। वन पे क्लिक करूंगा तो वन कलर आ जाएगा, जैसे इस तरीके से वन कलर आ गया आपका। ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ, एक से ज़्यादा कलर आप शो कर सकते हैं, मैंने यहाँ क्लिक किया, आप यहाँ जाके कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। आप यहाँ माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं कलर ऐड करने के लिए, अपनी इच्छा का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं इस तरीके से। तो माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं, दो बार आपको लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा, अपनी इच्छा का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। अगर इसको हटाना चाहते हैं, इसको उठाते हैं, डबल क्लिक करते हैं और डिलीट, मैंने यहाँ गया, मैंने इस पे किया डबल क्लिक, डिलीट, इस तरीके से। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जब ये चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये है हमारा आपका, कि आप यहाँ F11 करते हैं तो ये एडिट फिल हो जाता है। तो दोबारा देख लीजिए, मैंने किया यहाँ जाके F11, तो ये शो कर रहा है एडिट फिल। अपने आउटलाइन, अपने फिल कलर में, अपने किसी शेप में आप कोई कलर फिल कर सकते हैं इमेज को छोड़ के। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ले रखा है, मैंने किया F12, तो
तो ये शो क्या करता है, अपनी आउटलाइन में कलर फिल कर सकते हैं कि आपको आउटलाइन का कलर दे सकते हो, आउटलाइन का साइज शो कर सकते हो, जो भी आपको देना है इस तरीके से। ओके करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आपका आ जाता है। तो अपनी आउटलाइन में कलर देने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि जैसे मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, आप इन दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं, मैंने किया यहाँ जाके कंट्रोल जी, ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया इस तरीके से। अगर आप यहाँ करते हैं अनग्रुप तो ये अनग्रुप हो जाएगा। अगर आप यहाँ करते हैं जैसे कंट्रोल के तो ये क्या करता है, ब्रेकअप आर्ट आ जाता है इस तरीके से। अगर मुझे इन सभी को एक साथ जोड़ना है, मैंने इन दोनों को सारों को सिलेक्ट किया, मैंने किया कंट्रोल एल, कंबाइन हो गया। F8 करते हो, फिर मैंने यहाँ सुनील पे क्लिक किया एंटर, अनिल पे क्लिक किया एंटर, तो अपने टैक्स को मतलब इस तरीके से आप लेके आ सकते हैं। इसके बाद आपका आगे चलता है, जैसे एक ग्रुप अनग्रुप के लिए था आपका कि कंट्रोल जी से ग्रुप, कंट्रोल यू से अनग्रुप, कंट्रोल के से ब्रेकअप पार्ट। अब जैसे मान लो मुझे कोई चीज कंबाइन करनी है, तो जैसे मैंने इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, आप करते हैं कंट्रोल एल कंबाइन करने के लिए, कंबाइन हो जाएगी इस तरीके से। अगर आप करते हैं कंट्रोल के ब्रेकअप पार्ट तो ये चीज अलग हो जाएगी, ये चीज अलग हो जाएगी। तो किसी शेप को अलग अलग करने के लिए आप कंट्रोल के ब्रेकअप पार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, आपने किया कंबाइन तो ये कंबाइन हो गया, मैंने किया ब्रेकअप पार्ट तो ये ब्रेकअप पार्ट अलग अलग हो गया इस तरीके से। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, कुछ शो लेके आ सकते हैं आपका। अब इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे कि जैसे कंट्रोल क्यू पाथ बनाने के लिए ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ जाके कंट्रोल क्यू, तो ये पहले से मेरा कंट्रोल क्यू है आपका, मैं इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल लिया तो ये शो कर रहा है कंट्रोल क्यू पाथ बनाने के लिए, आप पाथ बना सकते हैं इस तरीके से। कंट्रोल प्लस जूम करने के लिए है, कंट्रोल माइनस जूम आउट के लिए आपका। इसके बाद आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके यहाँ रखते हैं, मैंने किया कंट्रोल डी तो डुप्लीकेट हो जाएगा। ओके करता हूँ डुप्लीकेट करने के लिए, तो इस तरीके से डुप्लीकेट होता चला जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ करता हूँ माउस से लेफ्ट क्लिक, मैंने किया कंट्रोल आर, रिपीट रिपीट होता हुआ चला जाएगा। तो कंट्रोल डी और कंट्रोल आर में क्या फर्क है फिर? तो कंट्रोल डी क्या करता है, एक नई लेयर बना के देता है। कंट्रोल आर क्या करता है, उसी लेयर पे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आप शो कर सकते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो कंट्रोल आर आप यूज कर सकते हैं रिपीट करने के लिए। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, ये था कंट्रोल आर रिपीट करने के लिए। मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, ओनली प्लस करते हैं तो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ओनली प्लस से डुप्लीकेट करने के लिए हो जाएगा, कंट्रोल डी करते हैं डुप्लीकेट होने के लिए आपका इस तरीके से। कंट्रोल दबा के पेज अप पेज डाउन करने के लिए, तो कंट्रोल दबाएंगे पेज अप करेंगे अप हो जाएगा, डाउन करेंगे डाउन हो जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ इसमें, जैसे आपने कोई कलर फिल किया, यहाँ पर भी मैंने कोई कलर दिया, इसको ऊपर रखता हूँ मैं, आपने किए हैं। हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं, मैंने यहाँ किया है यहाँ जाके कि कंट्रोल बैक तो पीछे की तरफ हो जाएगा, कंट्रोल अप करते हो तो ये ऊपर हो जाएगा इस तरीके से। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अप या डाउन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो पेज लेता हूँ इस तरीके से, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, एक रेक्टेंगल ये शो करता हूँ, ये दो ऑब्जेक्ट हैं आपके, जैसे मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ तो ये शो करता है जैसे टी, टी से टॉप, बी से बॉटम, एल से लेफ्ट, आर से राइट, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। मैं करता हूँ जैसे ये मेरा रेक्टेंगल है, इसको मैं अलग से इस तरीके से शो कर रहा हूँ, आप यहाँ इसको सिलेक्ट कर दें, मैंने किया इसको कि ई हाइट के सेंटर में आएगा, सी करता हूँ ये विथ के सेंटर में है, अगर आप इसको करते हैं सी ई या ई सी तो ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाएगा। सी ई ओनली, तो आप ओनली सी दबाना है, ओनली ई दबाना है तो ऑब्जेक्ट के सेंटर में शो कर सकते हैं। पी करता हूँ पेज के सेंटर में शो कर देगा। तो ये कुछ शॉर्टकट की हैं, इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।